हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप सबका शक्तिस किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चुरुज़ की रेसिपी बनाएंगे जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये बच्चों बड़ों सबको पसंद आते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालूंगी और इसे थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं उसमें डालूंगी 2 चम्मच शुगर। अब जबकि पानी में उबाल आने वाला है, इसी वक्त मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबलस्पून बटर और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसे बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है। अब इसी वक्त हम गैस को ऑफ करेंगे और इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम चलाते रहेंगे। याद रहे दोस्तों, हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, वरना इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे और गैस भी हमारी बंद होनी चाहिए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये तैयार है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है पर ये पूरा ठंडा नहीं है, अभी भी ये बहुत गर्म है। अब इसी वक्त हम इसे अच्छे से नीड करेंगे और इसे एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो हमारा डो तैयार है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने डबल पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये डो को जब हम पाइप करते हैं तो इसमें बहुत प्रेशर लगता है, तो इसीलिए हमें डबल पाइपिंग बैग की ज़रूरत होगी। साथ ही मैंने इसमें स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। तो अब हम डो को पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। तो डो हमारा रेडी है पाइप करने के लिए। चलिए अब हम इसे पाइप करना शुरू करते हैं। इसे पाइप करते हुए आपको थोड़ा सा फोर्सली पाइप करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा डो बहुत हार्ड होता है। अब हम इसे एक नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे चुरोस को पाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चुरोस पाइप कर लिए हैं। अब हम इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। याद रहे दोस्तों, हमारा ऑयल बिल्कुल भी तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना इस पे बबल्स आ जाएंगे और ये अंदर से सिकेगा भी नहीं। तो हमारा तेल इस वक्त बहुत ही कम गर्म है, आप देख सकते हैं। और अब हम वेट करते हैं चुरोस के ऊपर आने का। तो आप देख सकते हैं चुरोस बिल्कुल सरफेस पे आ चुके हैं। इसी वक्त हम इन्हें फ्लिप कर करके हर तरीके से सेक लेंगे। तो हमारे चुरोस सिक कर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ये देखिए कितने बढ़िया सिके हैं। इसी तरीके से हम बाकी के चुरोस को भी फ्राई कर लेंगे। चुरोस बनकर तैयार है दोस्तों। अब हम इसे डस्ट करेंगे पाउडर शुगर के साथ। अगर आपको सिनेमन का फ्लेवर पसंद है तो आप सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने शुगर पाउडर से इसे डस्ट कर दिया है। अब साथ में हम इसे सर्व करेंगे चॉकलेट सॉस के साथ। तो आप मज़े लीजिए चुरोज़ का और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।